नमस्कार, वक्त स्पेशल रिपोर्ट का। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। लेकिन स्पेशल रिपोर्ट की तरफ हम आगे बढ़े, एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बड़ी सियासी खबर है। चूरू से राहुल कस्वा के टिकट कटने का जो पूरा मामला था, उसमें राहुल कस्वा ने अब अपने पत्ते खोल दिए हैं। उन्होंने एक और पोस्ट किया है अपने एक्स हैंडल पर, लिखा है, राम राम मेरे लोकसभा परिवार के लोग, 8 मार्च को दोपहर 1 बजे सादुलपुर स्थित आवास पर आप सभी के बीच रहूंगा उपस्थित। क्या इशारा है ये समझने वाली बात। पहले भी राहुल कस्वा ने बगावती सुर दिखाए थे और लिखा था कि आखिर मेरा गुनाह क्या था। बीजेपी से सांसद मौजूदा वक्त में राहुल कस्वा, इनका टिकट कट गया इस बार चूरू से। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये कि कस्वा ने ट्विटर हैंडल पर अपने लिखा है कि राम राम लोकसभा परिवार, 8 मार्च को दोपहर 1 बजे समय दिया उन्होंने सादुलपुर स्थित आवास पर, आप सभी के बीच उपस्थित रहूंगा। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए। शशि, क्या मान लिया जाए, पत्ते खोल दिए हैं यहां पर राहुल कस्वा ने, 8 तारीख दोपहर 1 बजे क्या होने वाला है? शशि, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शशि तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें बड़ी खबर यही इस वक्त की जो हॉट टॉपिक बना हुआ है इस वक्त राजस्थान का लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। चूरू से सांसद राहुल कस्वा का टिकट बीजेपी ने काट दिया। अब ऐसे में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या राहुल कस्वा कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरेंगे या कुछ और बड़ा फैसला वो लेंगे। कई सारे विकल्प उनके पास मौजूद, लेकिन उन्होंने इशारा कर दिया है 8 मार्च दोपहर 1 बजे सादुलपुर स्थित आवास पर होंगे। इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट किया था, लिखा था कि आखिर मेरा गुनाह क्या था, टिकट काटने को लेकर उन्होंने वो ट्वीट किया था।